हाय दोस्तों, तो लॉन्चेस की बारिश चल रही है। इस हफ्ते तीन नए फोन्स आज हमारे पास हैं, तीनों का स्वागत करने वाले हैं। ब्रांड न्यू नार्जो 35G है, गैलेक्सी M32 है, पोको M3 प्रो है। साथ मैंने ले लिए हैं 15,000 के अराउंड दो और जो अच्छे फोन हैं इस टाइम, रेडमी नोट 10S और रेडमी नोट 10 प्रो। अब रियलमी 8 5G आज यहाँ पे नहीं है। अब रियलमी 8 5G तो देखो नार्जो 35G है। रियलमी 8 5G का वैसे अगर आपको बैटरी टेस्ट अलग से देखना है, वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। बात करेंगे सारे फोन्स का धमाकेदार बैटरी ड्रेन टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, हीटिंग, चार्जिंग, सब चीज का आज हमें पता चलने वाला है। और लॉन्चेस की बारिश के साथ वीडियोस की बारिश भी हो रही है इस हफ्ते। भाई फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों तक हमारा कॉन्टेंट पहुंचाने में मदद करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सारे फोन यहाँ पे 100% चार्ज हैं, सारे फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, सारे फोन्स पे एयरप्लेन मोड भी मैंने ऑन किया हुआ है। सारे फोन्स पे जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन है वो इंस्टॉल्ड है। पोको M3 प्रो अभी भी MIUI 12 पे है, ये दोनों फोन्स MIUI 12.5 पे हैं। नार्जो 35G पे भी MIUI 2 है, M32 पे भी हमें MIUI 3 मिलता है सीधा। अब डिस्प्लेस की बात करते हैं तो दोनों 5G फोन्स पे हमें LCD डिस्प्ले मिलती है, बाकी तीनों फोन्स पे AMOLED है। ये तीनों फोन्स 90Hz रिफ्रेश रेट वाले हैं। नोट 10 प्रो 120Hz रिफ्रेश रेट वाला है, नोट 10S अकेला फोन है जो 60Hz है। तो यहाँ पे रिफ्रेश रेट भी मैंने हाई पे सेट किया हुआ है सबका। बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, M32 पे 6000mAh बैटरी है, बाकी चारों फोन्स पे 5000mAh है। तो डेस्क का फॉर्मेट आपको पता ही है, इस कोने में आपको दिखता रहेगा हम किस किस चीज पे जोर डाल रहे हैं हर राउंड में। सबसे पहले 2 घंटे के वीडियो प्लेबैक से स्टार्ट करेंगे यूट्यूब से। अब एक्चुअल स्क्रीन क्वालिटीज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे बढ़िया जो स्क्रीन है यहाँ पे वो रेडमी नोट 10 प्रो की है। शानदार AMOLED डिस्प्ले है, ब्राइटनेस लेवल्स बहुत ही बढ़िया हैं, कलर एकदम सुपर पंची लगते हैं। M32 की स्क्रीन भी एक्चुअली काफी ज्यादा बढ़िया है और आप देखोगे जो बेजल्स वगैरह है यहाँ पे काफी पतले कर दिए हैं सैमसंग ने। हालांकि ऊपर अभी भी नॉच मिलता है तो थोड़ी सी ओल्ड वाली लुक आती है, लेकिन एक्चुअली स्क्रीन काफी अच्छी है। सेम लेवल पे ही रेडमी नोट 10S को भी आप रख सकते हो। बाकी ये जो दोनों फोन है 5G वाले, यहाँ पे LCD स्क्रीन है तो ऑब्वियसली AMOLED वाला वो मजा नहीं है, लेकिन इनमें से भी नार्जो 35G की स्क्रीन थोड़ी ज्यादा ब्राइट है तो थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। पोको M3 प्रो की स्क्रीन इस चीज में थोड़ा पीछे रह जाती है। तो Note 10S और Note 10 Pro में हमें स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है और सबसे अच्छा स्पीकर आउटपुट यहाँ पे Note 10 Pro का है, जो भरी भरी आवाज़ होती है, बेस वाली फीलिंग होती है, काफ़ी अच्छी है। Note 10S में स्टीरियो स्पीकर की वजह से अच्छा लगता है, लेकिन वो बेस वाली फीलिंग थोड़ी कम है। इन तीनों फोन्स में सिंगल स्पीकर है तो ऑब्वियसली स्टीरियो स्पीकर वाला मज़ा नहीं आता है। पोको M3 प्रो पे लाउडनेस सबसे अच्छी है, M32 और नार्जो 35G को मैं सेम लेवल पे रखूंगा। फिर वीडियो प्लेबैक के 2 घंटे खत्म हो गए हैं, ये है इस टाइम बैटरी परसेंटेजेस। M32 सबसे आगे चल रहा है, सबसे पीछे दोनों LCD वाले फोन एक साथ चल रहे हैं। अब इनकी एक्चुअल बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से कितना mAh ये लूज करते हुए चलेंगे वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखता रहेगा। और इसी से आ जाते हैं परफॉर्मेंस राउंड पे। सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप करा देते हैं Geekbench टेस्टिंग से। प्रोसेसर आपको बताता हूँ, पोको M3 प्रो और नार्जो 35G पे हमें Dimensity 700 मिलता है, Note 10 Pro पे है 732G, Note 10S पे है Helio G95 और ऑन पेपर सबसे वीक प्रोसेसर Galaxy M32 में है Helio G80। तो Geekbench का पहला राउंड खत्म हो गया है। आप देखोगे सबसे ज्यादा स्कोर कर दिया है यहाँ पे नार्जो 35G ने। पोको M3 Pro इससे थोड़ा सा पीछे रह गया है और Redmi Note 10 Pro का 732G भी ऑलमोस्ट साथ साथ ही है Dimensity 700 के। तो M32 का पहला राउंड खत्म हो गया है, यहाँ पे भी सबसे ज्यादा स्कोर कर दिया है नार्जो 35G ने। पोको M3 प्रो का स्कोर इससे थोड़ा सा पीछे है, उससे थोड़ा सा पीछे नोट 10S है, सबसे कम स्कोर गैलेक्सी M32 ने किया है। अब यहाँ पे M22 ने कुछ अलग ही दिखा दिया है कि GPU नॉट सपोर्टेड, ये कुछ कुछ G80 G85 वाले फोन के साथ देख रहा हूं मैं नए M22 में। खैर इस टेस्ट को फटाफट एक बार और रिपीट कर लेते हैं, देखते हैं कुछ ड्रॉप दिखेगा या नहीं परफॉर्मेंस में।
तो N22 का दूसरा राउंड खत्म हो गया है। यहाँ पे आप CPU टेम्परेचर देख सकते हो, नार्जो 35G 70s में चल रहा है, पोको M3 Pro पे भी 70 का राउंड था, अभी 55 पे आ गया है, और M32 भी काफी गर्म है। Redmi Note 10 Pro पे ठंडा है टेम्परेचर, 45 के अराउंड ही पीक था। बाकी स्कोर्स आप देख सकते हो, Narzo 35G अभी भी सबसे ज्यादा आगे है, Poco M3 Pro में थोड़ा सा ड्रॉप आ गया है, Note 10 Pro में काफी ड्रॉप हो गया है स्कोर अब। और फाइनली Note 10 पे भी टेस्ट खत्म हो गया है, यहाँ पे भी काफी ज्यादा ड्रॉप हो गया है स्कोर। CPU टेम्परेचर यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 70s में पहुंच गया है। इससे आते हैं अगले टेस्ट पे, तो अब करेंगे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट, जहाँ पे 20 मिनट तक लगातार इन पे स्ट्रेस डाला जाएगा और देखेंगे कौन सा CPU सबसे अच्छा हैंडल करता है स्ट्रेस को। तो थ्रॉटलिंग टेस्ट के 20 मिनट खत्म हो गए हैं, यहाँ पे सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है Redmi Note 10s ने। बाकी जो थ्रॉटलिंग परसेंटेज है, एवरेज परफॉर्मेंस है, वो आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होगी। सबसे अच्छा, सबसे स्टेबल परफॉर्मेंस Galaxy M32 का है, और उसके अलावा Note 10 Pro ने थोड़ा अच्छा काम किया है। Narzo 35G और Poco M3 Pro का काफी सिमिलर साइज रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो CPU टेम्परेचर्स, तो Poco M3 Pro में 70 के अराउंड पीक था, अभी 50s में आ गया है। Narzo 35G अभी भी काफी नाइस टेम्परेचर पे बैठा हुआ है, और सारे MediaTek वाले प्रोसेसर्स काफी गरम चल रहे हैं। आप देखोगे Note 10 Pro बस सबसे ठंडा है। जल्दी से एक स्टोरेज टेस्ट आपको करके दिखा देता हूं। तो यहां पे सबसे बढ़िया रीड रेट स्पीड्स आई हैं Narzo 35G में, Poco M3 Pro भी वैसे ज्यादा पीछे नहीं है। Note 10s, Note 10 Pro में भी UFS स्टोरेज है, लेकिन यहां पे जो एक्चुअल रीड रेट स्पीड्स हैं थोड़ी सी पीछे रह गई हैं। सबसे स्लो स्पीड्स Galaxy M32 में आई हैं, जो अकेला फोन है जिसमें हमें eMMC 5.1 स्टोरेज मिलती है अभी भी। बेंचमार्क राउंड के बाद भी सेम ट्रेंड है, आप देख सकते हो M32 अभी भी सबसे आगे चल रहा है, दोनों LCD वाले फोन्स पीछे चल रहे हैं। इससे आगे अगले राउंड पे स्टार्ट करते हैं गेमिंग, तो Ashfall 9 लोड कर लेते हैं। काफी देर से गेमिंग चल रही है, हालचाल ले लेते हैं फोन्स के। रूम टेम्परेचर 26.5 के अराउंड है अभी। Note 10 Pro पे मैक्सिमम 41 तक दिख रहा है, Note 10s पे 42 के अराउंड दिखाता मुझे कहीं। Narzo 35G 39 के नीचे है, काफी अच्छा। Galaxy M32 भी 40 के नीचे ही है, और Poco M3 Pro तो 37.5 पे ही है। तो हाथ से छूने में Poco M3 Pro, Galaxy M32 और Narzo 35G तो बिल्कुल भी गर्म फील नहीं हो रहे हैं। Redmi Note 10s थोड़ा सा गर्म फील हो रहा है कैमरा के पास से, और Note 10 Pro भी हल्का सा गर्म फील हो रहा है। किसी भी फोन में ऐसे बहुत ज्यादा ओवरहीटिंग नहीं हुई है, वैसे अभी AC चल रहा है रूम में, उसका भी फर्क पड़ सकता है। पर एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, Galaxy M32 पे थोड़ी सी स्क्रीन ब्राइटनेस डिप करी हुई है, अगर आप देखोगे Note 10 Pro, Note 10s, इनसे अब थोड़ा सा पीछे लग रही है इसकी ब्राइटनेस। सेम चीज Poco M3 Pro में भी मुझे लग रही है, Narzo 35G के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिम हो गई है स्क्रीन। अब गेमिंग राउंड खत्म करने से पहले ग्राफिक्स सेटिंग्स आपको दिखाता हूं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की। तो यहां पे भी Redmi Note 10 Pro सबसे आगे है, वेरी हाई ग्राफिक्स के साथ आप वेरी हाई फ्रेम रेट खेल सकते हो। दोनों Dimensity 700 वाले फोन्स और Helio G80 में सेम मामला है, मीडियम ग्राफिक्स के साथ सिर्फ 30 FPS आपको मैक्सिमम मिलता है। और Note 10s में भी सेम ग्राफिक सेटिंग्स है, 732G वाली, वेरी हाई के साथ वेरी हाई आप खेल सकते हो, 60 FPS आपको मिल जाता है हाई ग्राफिक्स के साथ। लेकिन ओवरऑल गेमिंग के लिए अगर मुझे एक फोन चूज करना हो सबसे भरोसेमंद इनमें से, वो होगा Redmi Note 10 Pro। और इन जनरल भी आपको पता ही है कि जो 720G, 732G ये वाले फोन्स हैं, ये जनरली गेमिंग के लिए सबसे बढ़िया चॉइस है इस प्राइस रेंज में। गेमिंग राउंड के बाद ये है बैटरी परसेंटेजेस, दोनों Redmi भाई एकदम साथ चल रहे हैं, M32 सबसे आगे है, दोनों 5G फोन्स भी एक साथ चल रहे हैं। एक लास्ट राउंड हैवी टेस्टिंग का हमारा और रह गया है, अब करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट। तो Note 10 Pro और Note 10s पे आप 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, इन तीनों फोन्स में सिर्फ फुल HD 30 FPS हमें मैक्सिमम मिलता है। तो अभी के लिए सारे फोन्स के फ्रंट कैमरा से मैं 1080p 30 FPS रिकॉर्ड करूंगा। काफी देर से वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे चल रही है, फोन के हालचाल ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा गर्म मुझे कोई फोन नहीं दिख रहा है, सारे फोन्स ही अभी 40 डिग्रीज के नीचे ही हैं। एक बड़ी अजीब चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, Redmi Note 10s पे आप देखोगे कुछ ज्यादा ही डीले सा चल रहा है वीडियो में। उसके अलावा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि Redmi Note 10 Pro अकेला फोन है जिसमें हम सीधा एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हैं कहीं भी टैप करके। बाकी Note 10s और Poco M3 Pro में ये हो तो रहा है थोड़ा सा, लेकिन हार्डली उससे कुछ फर्क पड़ रहा है। और Narzo 35G और M32 में तो ऑटोमेटिक एक्सपोजर का ऑप्शन ही नहीं है, आपको खुद ही हाथ से ही करना पड़ेगा जो करना है। CPU टेम्परेचर पर नजर डाल लेते हैं, तो सारे CPUs अच्छे खासे गर्म है। Narzo 35G सबसे ऊपर है 68 पे, Note 10s भी 66 पे चल रहा है, इसीलिए पे शायद थोड़े लैग आ रहे थे। बैटरीज की बात करते हैं तो M32 अब क्लियर लीड में आ गया है, बाकी सारे फोन्स काफी आसपास के सही चल रहे हैं। तो हैवी टेस्टिंग बहुत हो चुकी है, अब आ जाते हैं थोड़े लाइट राउंड पे, सोशल मीडिया यूजेज करेंगे अब।
सोशल मीडिया के 2 घंटे खत्म हो गए हैं, टेस्ट को 6.5 घंटे हो चुके हैं। M32 क्लियरली अब बहुत आगे बाकी फोन से निकल गया है। सारे राउंड वैसे हमारे एक बार खत्म हो चुके हैं और इस पॉइंट तक जब फोन्स पहुंच जाते हैं, आप मान लो नॉर्मल जो हमारा यूजेज होता है उसके हिसाब से एक दिन आपका आसानी से कट जाएगा। तो अब सारे राउंड हम रिपीट करेंगे एक एक करके। फाइनली जाके गैलेक्सी M32 भी डेड हो गया है। तो ये है फाइनल बैटरी ड्रेन रिजल्ट्स। और यहाँ पे देखो, बुरी किसी भी फोन पे नहीं मिल रही है बैटरी लाइफ। सारे फोन से आपका एक दिन बहुत आसानी से कट जाना चाहिए। इनका एवरेज बैटरी ड्रेन आप देखोगे तो दोनों जो 90Hz LCD वाले फोन है, सबसे तेज वो बैटरी ड्रेन करते हुए चल रहे थे और सबसे स्लो बैटरी ड्रेन करता हुआ चल रहा था गैलेक्सी M32। एक तो इसमें बैटरी बड़ी है, ऊपर से ड्रेन भी ज्यादा स्लो हो रहा था, इसीलिए भाई ये फोन तो आप मान लो 2 दिन बहुत आसान से चलेगा। और इससे रहते हैं हमारे एनालिसिस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम एक राउंड लगातार रिपीट करते रहते तो ये फोन्स कितना टिक जाते हैं। तो आप देखोगे कि अगर मैं सिर्फ YouTube लगातार चलाता रहता तो Galaxy M32 18 घंटे तक टिक सकता था शायद। ऐसे आप बाकी राउंड्स भी देख सकते हो और हर राउंड में ही सबसे लंबा Galaxy M32 चलने वाला था, यानी सबसे स्लो भी वही बैटरी ड्रेन करता हुआ चल रहा था। देखते आपको दिख रही होगी यहाँ पे ज्यादातर सारे ही टाइम जो है आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, मतलब सब में ही अच्छी मिल रही है बैटरी लाइफ। जैसे मैं आपको बता रहा था, पूरे चार्ट में आप देखोगे बस एक कलर है जो ऑरेंज में है। तो नोट 10 प्रो आप देखोगे कैमरा राउंड में ये सबसे जल्दी मर रहा था और हमने जैसे देखा भी था वीडियो रिकॉर्डिंग में, इसमें काफी चीजें हमें एक्सपोजर कंट्रोल वगैरह करने को मिल रही थी, यानी कि सबसे ज्यादा एफर्ट लगा रहा था यही फोन वीडियो रिकॉर्डिंग में। बाकी नार्जो 35G, पोको M3 प्रो आप देखोगे ज्यादातर टाइम इनका बिल्कुल सेम सा ही चल रहा था परफॉर्मेंस, लेकिन कहीं पे थोड़े डिफरेंसेस हैं। जैसे गेमिंग राउंड में आप देखोगे पोको M3 प्रो में बहुत ज्यादा टाइम में टिक जाता। अब वो इसलिए हो सकता है क्योंकि गेमिंग राउंड में पोको M3 प्रो ने अपनी ब्राइटनेस डिप करी हुई थी। इसी तरह आप देखोगे कैमरा राउंड में इसका जो टाइम होता वो काफी कम होता नार्जो 35G से। वो इसलिए होगा जैसा हमने देखा था, पोको M3 प्रो में थोड़ा एक्सपोजर कंट्रोल का हमें ऑप्शन मिल रहा था, नार्जो 35G में वो नहीं था। बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो अभी भी देखो सबसे अच्छा प्रोसेसर यहाँ पे स्नैपड्रैगन 732G ही है। डायमेंसिटी 700 जो है वैसे तो अच्छा खासा पावरफुल है, नॉर्मल यूजेज में आपको काफी स्मूथ लगेंगे 35G Poco M3 Pro जैसे फोन, लेकिन वही बात है कि गेम्स वगैरह इसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। सिर्फ 30 FPS आपको ऑप्शन मिल रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स पे। हालांकि फोन्स ये दोनों उतने हीट नहीं हुए थे, लेकिन अगर CPU आपका गर्म चल रहा है तो आप मान सकते हो परफॉर्मेंस पे जरूर उससे फर्क पड़ेगा ही। बाकी गैलेक्सी M32 जो है फोन बैटरी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन गेमिंग वगैरह के लिए मैं उतना रेकमेंड नहीं करूंगा। G80 जो है थोड़ा सा वीक प्रोसेसर है इसके प्राइस के हिसाब से, लेकिन नॉर्मल कामों में, डे टू डे कामों में आप काम चला सकते हो इससे। तो ये हो गया बैटरी ड्रेन टेस्ट, अब करेंगे बैटरी चार्जिंग टेस्ट। दोनों डायमेंसिटी 700 वाले फोन्स पे हमें सिर्फ 18 वॉट चार्जिंग मिलती है। रेडमी के दोनों फोन्स पे 33 वॉट चार्जिंग का हमें सपोर्ट है। गैलेक्सी M32 में सपोर्ट 25 वॉट चार्जिंग का है, लेकिन बॉक्स में सिर्फ 15 वॉट वाला चार्जर मिलता है। तो उसी चार्जर से चार्ज करेंगे। चार्जिंग थाली सज चुकी है, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग का आधा घंटा पूरा हो गया है। ये हैं बैटरी परसेंटेजेस। सबसे आगे सबसे तेज नोट 10 प्रो ही चार्ज हो रहा है। नोट 10S ने पता नहीं बहुत ही स्लो स्टार्ट करी है 33 वॉट के हिसाब से। खैर अब इनके एक्चुअल बैटरी कैपेसिटीज के हिसाब से कितना mAh ये चार्ज हुए हैं, कितना mAh ये हर मिनट चार्ज हो रहे हैं, वो सब आपको ऊपर दिखता रहेगा। 1 घंटा पूरा हो गया है, नोट 10 प्रो अब क्लियर लीड में चल रहा है। बाकी सारे फोन लगभग बराबर के से ही चल रहे हैं 50 के आसपास। डेढ़ घंटे बाद ये हैं बैटरी परसेंटेजेस। नोट 10 प्रो काफी पास है 100 के।
तो बाकी सारे फोन्स हमारे फुल चार्ज हो गए हैं। पोको एम थ्री प्रो पता नहीं 99 पे सो गया है काफ़ी देर से, तो अभी के लिए मैं स्टॉप कर देता हूँ टेस्ट को। आप मान लो 2.5 घंटा लगेगा इसको फुल होने में। बात करते हैं फाइनल बैटरी चार्जिंग रिजल्ट्स की। तो देखो, नार्जो 35G और पोको एम थ्री प्रो सबसे स्लो चार्जिंग वाले यहाँ पे फोन्स हैं और दोनों के ही बारे में ये चीज़ एक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप रियलमी और पोको के बाकी फोन्स देखोगे इस प्राइस रेंज में, सब में हमें 30 वॉट 33 वॉट की चार्जिंग मिलती है, यहाँ पे 18 वॉट चार्जिंग मिल रही है। गैलेक्सी M32 में वैसे सिर्फ 15 वॉट चार्जिंग है, लेकिन एक्चुअल चार्जिंग स्पीड्स की काफी तेज थी बाकी दोनों 18 वॉट वाले फोन से। वैसे यहाँ पे 25 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट है, अगर आप इसे 25 वॉट चार्जर से चार्ज करोगे तो ये 2 घंटे में फुल हो जाएगा। और मेरे हिसाब से यार 25 वॉट चार्जर अब हमें बॉक्स में मिलना चाहिए था, गैलेक्सी M31s के साथ सैमसंग ने दिया था, M32 में से फिर से हटा लिया है। और एक लास्ट चीज, नोट 10 प्रो ने आज बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया फुल होने में। वो इसलिए था क्योंकि जब ये 96-97 पे था, बीच में थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी 10 सेकंड के लिए, लेकिन उस 10 सेकंड से फर्क ये पड़ गया कि वापस जब चार्जिंग स्टार्ट हुई तो भाई फोन को लगा हुआ कि अब वह 97 पे हूं ऑलरेडी, तो इसलिए उसने ट्रिकल चार्ज किया फिर आखिरी के 3% को। वैसे नॉर्मल आप मान सकते हो 1 घंटा 40 मिनट के अराउंड ये फुल हो जाता है। और इससे बात करते हैं ओवरऑल रिजल्ट्स की। तो Redmi Note 10 Pro यहाँ पे सबसे महंगा फोन है, लेकिन जो ओवरऑल ये पैकेज भी दे रहा है डिस्प्ले का, परफॉर्मेंस का, बैटरी लाइफ वगैरह का, बहुत ही शानदार है। और अगर आप स्पेंड कर सकते हो 16,000 तक तो फिर डेफिनेटली इसको आप जरूर कंसीडर करो। Note 10s खरीदने का ज्यादा कुछ सेंस नहीं है, सिर्फ 1,000 रुपये सस्ता है Note 10 Pro से, लेकिन काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेज यहाँ पे हैं। और मुझे लगता है अगर आप ये खरीदने का सोच रहे हो तो आप थोड़े पैसे और बचाओ, Redmi Note 10 आप खरीद लो। Poco M3 Pro, Narzo 35G तो बिल्कुल ही सेम से ही है हर चीज में, सेम प्रोसेसर है, बैटरी लाइफ सेम है, चार्जिंग सेम है, यहां तक कि कैमरा सेटअप वगैरह जो है ऑन पेपर वो भी बिल्कुल सेम है। बाकी इन दोनों फोन्स के डिटेल कंपैरिजन पे मैंने काम शुरू कर दिया है, कैमरा टेस्ट वगैरह सब चीज आपको एक साथ आंसर मिलने वाले हैं। तो भैया चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। और इससे आ जाते हैं गैलेक्सी M32 पे। तो ये फोन देखो, फिर से सैमसंग ने एक नया बैटरी चैंपियन हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है। अगर आपको एकदम बेस्ट बैटरी लाइफ चाहिए तो भाई ये फोन बिल्कुल निराश नहीं करेगा, मुझे लगता है ज्यादातर लोग के लिए 1.5 दिन 2 दिन भी शायद ही चल जाएगा। बाकी इसकी मैं अलग से कैमरा टेस्टिंग वगैरह भी कर चुका हूँ, वो सब आप यहाँ पे देख लेना। और प्राइसिंग भी इसकी अच्छी रख दी है सैमसंग ने, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा पैकेज है कैजुअल यूजर्स के लिए। 90Hz AMOLED वाला सबसे सस्ता फोन बन गया है इस टाइम। बस वही चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रोसेसर यहाँ पे उतना स्ट्रांग नहीं है, तो अगर आपको गेमिंग करनी है तो बस मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीजों के लिए बहुत शानदार ये एक फोन बन सकता है। पर अभी इसकी और टेस्टिंग करूंगा, आप मुझे बताना आपको कंपैरिजन किसके साथ देखना है गैलेक्सी M32 का। पर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। कैसी लगी सारे फोन्स की परफॉर्मेंस, क्या वीडियोज और देखनी है इन फोन्स पे, क्या कंपैरिजन देखने हैं, क्या टेस्टिंग देखनी है, फटाफट कॉमेंट कर दो। ट्विटर पर आके आप डायरेक्ट बात मुझसे कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।